ढेरों सारी वीडियोस आपने देखी कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, यूएस में, कनाडा में, यूके में, हर जगह रिसेशन है, फायरिंग हो रही है, हायरिंग नहीं हो रही है, फ्रीजिंग टाइम है, और मतलब जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो लोग ना एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में आ गए, क्वेश्चन मार्क आ गया सबके माइंड में, क्या हमें कनाडा या क्या हमें यूएस यूके में जाना चाहिए या फिर वहां जाना वर्थ नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हायरिंग हो नहीं रही है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप स्किल्ड हो, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी और आपको मजदूरी वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब किस पे निर्भर करता है? सो इट्स टोटली ऑन यू कि किस स्किल के साथ आप कनाडा या यूएस या यूके में मूव कर रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी इस स्किल के बेस पे जॉब मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो स्किल्स हैं जो हमें सीख के आनी है, चाहे आप वर्क परमिट से आ रहे हो, चाहे पीआर अप्लाई करके आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीजा से आ रहे हो, किसी भी वीजा से आ रहे हो, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ना सिर्फ आपकी पढ़ाई में, आगे आपकी इंटरव्यूज में एंड फर्दर आपकी जॉब पाने में। तो वन बाय वन हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सो नंबर वन जो आपको इम्प्रूव करके आनी है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। भाई इंग्लिश सीख के आओ। अगर आपको नहीं आती है, आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, 4-5 महीने का टाइम है, जाओ कोर्स ज्वाइन करो, बट सीख लो। जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो कम्युनिकेशन में उतना इम्प्रूव करो, क्योंकि ये सब ना सिर्फ आपकी पढ़ाई के टाइम पे, फर्दर आपकी इंटरव्यूज के टाइम पे और उसके बाद आगे जॉब लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अलग अलग कल्चर से वहां पे लोग आ रखे हैं, अलग अलग देशों से वहां पे लोग आ रखे हैं, सबके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश आना मस्ट है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश में पूरा प्रो बन के आओ, बट आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप अपने इमोशंस, अपने आइडियाज, अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाओ दूसरे वाले बंदों को। एंड बिलीव मी गाइस कि जितना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे ना अपने आप में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब पाने में, एक अच्छी जॉब मिलने में। नंबर टू जो आपको सीख के आ रहा है इंडिया से वो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल। भाई अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शाई होते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं और मतलब अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर वो क्लास में भी बैठे हैं तो वो झिझकते हैं कि भाई मैं मैम से क्वेश्चन कैसे पूछूं। तो अगर आपका ऐसा नेचर है या फिर किसी लड़की से बात करने से आप शर्माते हो, टीचर से नहीं पूछ पा रहे, मतलब किसी से भी आप जल्दी घुल मिल नहीं पा रहे हो, अपनी चीजों को नहीं बता पा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर सकता है। अगर आप एब्रॉड आने की सोच रहे हो तो भाई इसी पर अपना आज से ही काम करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हो, आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन आएगा जब आप स्टडी करोगे, जब आप कल इंटरव्यूज के लिए जाओगे, कुछ भी आपको कहीं पे भी आपको पार्ट टाइम कुछ भी जॉब करनी पड़ेगी, तो आप कैसे बात करोगे? आप बैठे रह जाओगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो भाई इस पे अपना थोड़ा वर्कआउट करो, कॉन्फिडेंस के साथ आओ, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाओ। नंबर थ्री, आईटी स्किल्स। तो अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है तो भाई आप लैंग्वेजेस सीख के आ सकते हो, जावा, पाइथन, C++, C.NET, जो आपको सीखना है, जो भी आपको अच्छी लग रही है वो लैंग्वेज सीख के आओ। ऐसे भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की इतनी डिमांड है, तो AI सीख के आओ और कोशिश करना कि थ्योरेटिकल नॉलेज ना लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आओ। थ्योरेटिकल आना भी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल उस चीज को आना ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फर्दर फिर यहां पे आके उसी चीज में अपनी कोई डिग्री या कोर्स करने का एंड फर्दर उसमें ही अपनी उसी फील्ड में जॉब पाने में आपको इजीली मिल जाएगी जॉब। नंबर फोर, मेडिकल स्किल्स। तो अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आप नर्स हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, वही बहुत ही हाई डिमांड में रहोगे आप लोग कनाडा में, बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स आपको मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा स्किल्ड होके आना है, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, बहुत ही हाई डिमांडेड फील्ड है और अच्छा खासा मोटा पैसा भाई आप इसमें कमा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो भाई अपना अच्छे सा लाइसेंस लेके आओ, अपना सर्टिफिकेट करके आओ, चीजों को सीख के आओ ताकि आपको यहाँ पर जॉब मिलना इजी रहे और आप अच्छे से जल्दी जॉब भी ले लो और अपनी फील्ड में ही ले लो और उसके साथ अपना अच्छा खासा सेटल डाउन भी हो जाओ। तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब है और अच्छा खासा आपको अपनी ही फील्ड में जॉब मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा स्किल्ड होके आना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं गर्ल्स के बारे में, तो भाई अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं घुसना चाहते हो, आपका कोई ऐसा कोई डिग्री कोर्स वोर्स करने का प्लान नहीं है, तो भाई आपके लिए सबसे बहुत ही जो नंबर वन पे एक अच्छा काम रहेगा ना वो है पार्लर। अगर आपको पार्लर, नेल एक्सटेंशन सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना भाई, तो इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करके आ जाओ अपने स्किल्स को। भाई
भाई बहुत अच्छा खासा पैसा आप इसमें अर्न कर सकते हो। आपकी मतलब एक एक बंदा भी आएगा ना, एक बारी की वैक्सिंग करने के $100 आप उनसे चार्ज कर सकते हो। थ्रेडिंग अपर लिप्स होती है ना भाई, $25-30 उसके चार्ज होते हैं, तो बहुत ही हाई डिमांडेड है। मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपना खुद का भी धीरे धीरे बाद में खोल के बैठ सकते हो। पहले आप पार्ट टाइम कर सकते हो, किसी और पार्लर में लग सकते हो, लेकिन बाद में आप अपना भी खोल के बैठ सकते हो, तो मतलब अच्छा खासा पैसा आप कमा लोगे। सेम अगर मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ तो बार्बर हेयर स्टाइलिश में अच्छा खासा पैसा है भाई, बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, और आप एक ही बंदे से एक ही सेटिंग के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। तो भाई एक ऐसी जॉब है ना कि मतलब जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से आपको सर्टिफिकेट करने की भी कोई ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो नकली भी बन जाते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में मत जाना कि मैं इंडिया से अपना सर्टिफिकेट बना के ले आई कि भाई मुझे मेकअप का कोर्स आता है, ये सब आता है, तो इन सर्टिफिकेट का ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का यूजफुल रहेगा। तो अगर आपको वो काम करना आता है, आप वो काम करोगे, कस्टमर को जब आप सेटिस्फाइड कर पाओगे ना, तो वो एक कस्टमर 10 लोगों को आगे कम्युनिकेट करेगा और आपका जो काम है ना वो खुद ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको वो काम करना ही नहीं आता है, बस आप सर्टिफिकेट लेकर आ गए हो, तो भाई वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। ठीक है, समझो इस चीज को, क्योंकि एक बार अगर एक बंदा आ भी गया, तो जब उसको आपकी सर्विस अच्छी नहीं लगेगी, जब पता चल जाएगा भाई इसको ये काम नहीं आता है, तो वो नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा। तो जो भी चीज आप जो भी काम सीख के आ रहे हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, प्लम्बर का हो, कारपेंटर का हो, मेकअप का हो, पार्लर का हो, बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट, जो भी आप चीज में सीख के आ रहे हो ना भाई, इस चीज के साथ सीख के आना कि मुझे सिर्फ ये दिखाना नहीं है, मुझे एक सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है कि भाई मुझे ये काम करना आता है। आपका वो काम आपको इन एक्चुअली में वो आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप खुद भी धोखे में मत रहना, दूसरों को भी ये मत सोचना कि मैं इसको मतलब धोखे में पागल बना दूंगा कि भाई मेरे पास कोर्स है बट इन एक्चुअली मुझे नहीं आता, वो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसके साथ ही इस पॉइंट जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर आप यहाँ पे कोई डिग्री या कोर्स करने के लिए आ रहे हो, वो है नेटवर्किंग। भाई अपना नेटवर्क बढ़ाना, ठीक है, जो लोग पहले उस जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में आप जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, वहां से जो पास आउट हो रहे हैं या जो भी आपसे सीनियर है, उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे एडवाइस लो, जानो कि कैसे हम आगे फर्दर जॉब हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्या चीजें हम करें, क्या रिज्यूमे बनाएं। तो बहुत सारी चीजें जब आप अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रहेगी भी फर्दर आपको जॉब मिलने में भी। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इंडिया से सीख के आनी है वो है ड्राइविंग। भाई आपको ड्राइविंग सीख के आनी है, हो सके तो वहां से अपना लाइसेंस भी बनवा के ले आना। अगर आप बोलो भाई मुझे ड्राइविंग नहीं आती बट मेरे पास तो 3-4 महीने का टाइम है, कोई बात नहीं, 3-4 महीने तो है, सीख लो जितना सीख पाओगे। भाई जितना आप ड्राइविंग को सीख लोगे, ये ऐसी चीज है ना जो मस्ट है, जो कभी ना कभी आप कनाडा में भी जब जा रहे हो तो आप गाड़ी खरीदोगे। ठीक है, और गाड़ी खरीदोगे आपको गाड़ी चलानी खुद से ही पहले से ही आती है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वहां पर भी आगे लाइसेंस मिलने में। अदरवाइज क्या होगा, फिर वहां पे आप सीखोगे तो वहां ज्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, तो पैसे आपके खर्च ना हो और आप इससे भी एक अपने पार्ट टाइम है जिसमें आप भाई अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो। और ब्लीव मी, मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपना डिग्री कोर्स वहां से कर रहे हैं और पैरेलली इवनिंग के टाइम पे अपना उबर चला रहे हैं, और जिसमें कोई बुरा भी नहीं है। और नॉट ओनली सिर्फ बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे स्किल्ड जो भी कर रहे हैं, भाई वो इंजीनियर हैं, अपने सीधा मैनेजर की पोस्ट पे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इवनिंग के टाइम पे ऊपर चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे कम्युनिकेट किया है, तो बिल्कुल सही है, कोई अलग से येलो प्लेट भी नहीं होती है कार के पीछे की। भाई आपको वैसे जैसे इंडिया में तो अगर आपके हर एक ऊबर के पीछे की येलो प्लेट लग जाती है तो वो थोड़ा अलग अजीब सा लगता है, लेकिन वहां पे अपने प्राइवेट व्हीकल को ही आप यूज कर सकते हो एज अ ऊबर में भी, तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा ये आपके लिए, और साथ ही साथ आपकी अर्निंग हो जाएगी, आपको पार्ट टाइम जॉब एक काइंड ऑफ ही काम करेगा। एंड इन केस कभी इन फ्यूचर में भी ऐसा हुआ कि भाई आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप कुछ टाइम के लिए खाली हो गए, तो भैया ऊपर चला के अपना पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो ड्राइविंग आप सीख के आना मस्ट है, अभी से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो एंड कोशिश करना कि अपना लाइसेंस भी वहां से बनवा के लेके आओ। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई आप जो भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉमर्स फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, नॉन मेडिकल फील्ड है, या इन सब पढ़ाई वाली फील्ड को भी छोड़ दो, आप कारपेंटर, प्लम्बर, जो भी हो, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, म्यूजिशियन, कुछ भी हो भाई, आप अगर अपने फील्ड में स्किल्ड हो ना और अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो भाई आप यहाँ आकर भी अच्छा खासा जल्दी जॉब ले लोगे। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्किल्ड होके आ रहे हो, क्या स्किल्स आपके पास हैं, और उस बेसिस पे आपको वहां पर उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल जाएगी।
तो आज की वीडियो को करते यहीं पे खत्म। स्टिल आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।